हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम सेम साइन के इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं। बेटा देखिए, डिवाइड ऑपरेशन का साइन लिखा हुआ है मैंने सेकंड कॉलम में, और ये हमारे इंटीजर्स का साइन है जो हमने फर्स्ट और थर्ड कॉलम में लिखा। तो जब हम सेम साइन के इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर भी कैसा आता है? पॉजिटिव आंसर आता है। चाहे हम नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करें चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव को। देखिए, एग्जांपल लिखा मैंने आपके सामने, पॉजिटिव 6 और पॉजिटिव 3 को डिवाइड करने पे हमारे पास पॉजिटिव 2 आता है। नेगेटिव 6 और नेगेटिव 3 को डिवाइड करने पे भी हमारे पास पॉजिटिव 2 आएगा। मैंने देखिए सेम नंबर लिए हैं, बट जो दोनों एग्जांपल हैं उनमें बस फ़र्क क्या है, जो नंबर्स लिए हैं उनके साइन फर्स्ट में तो पॉजिटिव पॉजिटिव है एंड सेकेंड में नेगेटिव नेगेटिव है, लेकिन आंसर दोनों का पॉजिटिव ही आ रहा है। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे कि जब हम अपोजिट साइंस को प्लस को माइनस से डिवाइड करें या माइनस को प्लस से, यानी अपोजिट साइंस की वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव आता है। थर्ड एग्जांपल में हमने प्लस के 6 को माइनस के 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया -2। फोर्थ एग्जांपल में हमने -6 को प्लस के 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया -2। तो एग्जाम्पल थर्ड एंड फोर्थ से हमने ये सीखा कि आप अगर अपोजिट साइन के नंबर को डिवाइड करते हो तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव आएगा, चाहे आप प्लस के नंबर को माइनस के नंबर से डिवाइड करें या माइनस के नंबर को प्लस के नंबर से डिवाइड करें।